सस्ता 4G अफोर्डेबल स्मार्टफोन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको सालों से ही यहां पर एक ही नाम सुनने को मिल रहा था, जियो फोन नेक्स्ट का। जब यहां पर जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च नहीं हुआ था तो उसके पहले इसके जो प्राइस के बारे में प्रेडिक्शन किए जा रहे थे वो लगभग 3000 और 4000 के बीच में थे, बट जैसे ही लॉन्च हुआ तो आप सभी को पता है वो फोन लगभग 7000 रुपए के बीच यहां पर लॉन्च हुआ, जो कि यहां पर सस्ता और अफोर्डेबल स्मार्टफोन के अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं आता। अब ऐसे में जियो ने बहुत सारे लोगों का दिल भी तोड़ दिया। अब ऐसे में अगर मैं बात करूं तो अगर 4G सस्ता, सबसे सस्ता 4G अफोर्डेबल स्मार्टफोन के बारे में, तो जियो ने कुछ सालों तक यहां पर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करके रखा था। ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि बहुत ही सस्ता लॉन्च होगा, पर अगर 7000 के प्राइस सेगमेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्मार्टफोन है जो कि जियो फोन नेक्स्ट से भी काफी बेहतरीन फीचर आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब यहां पर जियो फोन नेक्स्ट का जो इंतजार था वो तो पानी में ले डूबा सभी को। अब ऐसे में अब मैं आपको बता दूं, एयरटेल और गूगल की पार्टनरशिप बहुत ही तगड़ी हो चुकी है। अब यहां पर ये दोनों मिलकर सबसे सस्ता 4G अफोर्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं, वो भी डिफरेंट प्राइस वेरिएंट में। सो आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं गाइस। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो दोस्तों, यहां पर एयरटेल और गूगल की तरफ से 7400 करोड़ रुपए की डील जो है वो फिक्स की गई है। अब इस डील के मुताबिक एयरटेल और गूगल मिलकर यहां पर इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं सबसे सस्ता 4G अफोर्डेबल स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही अलग अलग प्राइस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जियो फोन नेक्स्ट के बारे में बात किया जाए तो लगभग 6500 रुपए इसका प्राइस है, इसके फर्स्ट वेरिएंट प्राइस यहां पर चालू होता है जियो फोन नेक्स्ट का। सो ऐसे में अगर एयरटेल और गूगल मिलकर कोई फोन लॉन्च करते हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट से बहुत ही ज्यादा कम हो या फिर इनसे 20% भी सस्ता हो, तो आई थिंक एयरटेल यहां पर मार्केट पे थोड़ा ज्यादा कब्जा कर सकता है जियो के मुताबिक ज्यादा, क्योंकि सबसे सस्ता 4G अफोर्डेबल स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं तो लोग सालों से जियो का ही नाम ले रहे थे, जियो फोन नेक्स्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। अब आप बात कर सकते हैं एयरटेल और गूगल के इस पार्टनरशिप के बारे में, और जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि जियो ने भी पार्टनरशिप किया था गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर, उन्होंने जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे सस्ता 4G अफोर्डेबल स्मार्टफोन तो नहीं है, क्योंकि इतना पैसे अगर आप पे करेंगे जियो फोन नेक्स्ट के लिए तो आई थिंक मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो कि इस प्राइस सेगमेंट पे आपको बेहतर फीचर दे सकते हैं। सो ऐसे में जियो का नेक्स्ट जो है, जियो फोन नेक्स्ट है, वो तो इस कंपटीशन से बिल्कुल ही आउट हो जाता है। अब इस नए कंपटीशन में आने वाला है एयरटेल और गूगल का स्मार्टफोन। अब इस स्मार्टफोन के बारे में यही कहा जा रहा है कि सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होने वाला है। अब यहाँ पर ये आपको बहुत सारे प्राइस सेगमेंट के साथ साथ मिल जाए, आई थिंक जियो फोन नेक्स्ट के कुछ ही फीचर्स देखने को आपको मिले इसमें। बाकी अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो जियो फोन नेक्स्ट से इसका प्राइस कम ही होना चाहिए, तभी ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में थोड़ा सा कब्जा बना पाएगा। बाकी जियो फोन नेक्स्ट का जो प्राइस है, उस प्राइस में तो आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे आपको मार्केट में ही, डिफरेंट ब्रांड्स के ही। सो यहाँ पर गूगल और एयरटेल मिलकर जल्दी आपके लिए लाने वाला है सबसे सस्ता 4G अफोर्डेबल स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन फीचर के मामले में दमदार होने ही वाला है, बिकॉज इसमें गूगल का हाथ है और इसके प्रोसेसर वगैरह भी स्ट्रांग होंगे ही होंगे, क्योंकि एयरटेल और गूगल दोनों काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं और अच्छे सर्विसेज के लिए जानी जाते हैं। तो गूगल के बारे में तो आप सभी को पता ही है और एयरटेल के बारे में भी आप सभी को पता ही है, तो उम्मीद काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है इन दोनों कंपनी से कि स्मार्टफोन सस्ता भी होगा और काफ़ी बेहतरीन भी हो सकता है। और इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है आपको हमारे चैनल पे जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। फीचर्स के बारे में जैसे ही कोई अपडेट आता है वो मैं आपको फटाक से आप तक पहुंचा दूंगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल करके रखना है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल जरूर कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।